भजन संहिता अध्याय 35। भजन संहिता अध्याय 35। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, और बर्ची को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक, और मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धारक हूं। जो मेरे प्राण की ग्राहक है वह लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वह पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाले भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हांकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलाहा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी कि हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन है उनको वह बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्री लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने पड़ा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व मेरे भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहराव पहने हुए सर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे, उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं। वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहु तेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद करने न पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नयन से शयन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं, और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा है, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह, उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह यह न कहे कि हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे कि यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी।